दोस्तों आईपीएल 2021 में आज एक ही समय पर दो मैच स्टार्ट हुए थे और दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त एमपीएल पर लूट मची है, क्योंकि इस आईपीएल में एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर आप डेली एक आईफोन जीत सकते हैं और साथ ही साथ एमपीएल में ग्रैंड कॉन्टेस्ट खेलकर आप लाखों रुपए जीत सकते हैं और यहां पर आपको टीम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट दीप दास गुप्ता सभी मैचों की टीम प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि मेहनत उनकी होगी और फल आपको मिलेगा। और आज के मैच में मैंने टोटल 25 टीम बनाई थी, जिसमें से मेरी 10वीं टीम ने मुझे 9,000 रुपए जिता दिए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी डाउनलोड करें एमपीएल ऐप को और जीते लाखों रुपए। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि आज आईपीएल के लीग स्टेज का अंतिम मैच था, जहां पर पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। और इन दोनों मैचों के बाद आईपीएल 2021 का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें सिर्फ 3 बार जीती और 11 बार हारी। तो इस वजह से टोटल 14 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ हैदराबाद पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और इस टीम का नेट रन रेट -0.430 है, जो कि काफी खराब नेट रन रेट है। और हैदराबाद की टीम पहले ही प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, यानी कि इस साल एसआरएच का सफर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके बाद 7वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम। और राजस्थान की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें सिर्फ 5 बार जीती और 9 बार हारी थी। तो इस वजह से टोटल 14 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है। और इस टीम का नेट रन रेट -0.993 था, जो कि पूरे पॉइंट टेबल में सबसे खराब नेट रन रेट था। और राजस्थान की टीम प्ले ऑफ के दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है और राजस्थान का सफर आईपीएल 2021 में खत्म हो चुका है। और अब राजस्थान की टीम अगले साल तगड़ी वापसी करने की सोचेगी। इसके बाद 6वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम। और पंजाब किंग्स की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 6 बार जीती है और 8 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम का नेट रन रेट -0.001 है। और पंजाब की टीम जो है वो इस साल प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है और पंजाब किंग्स का सफर आईपीएल 2021 में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इस टीम के प्ले ऑफ से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये टीम काफी सारे मैच जो है वो काफी कम अंतराल से हारी थी। तो इस वजह से पंजाब की टीम इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद 5वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर है आज के मैच की विनर और 5 बार की चैंपियन यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार जीती है और 7 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम का नेट रन रेट अब यहां पर कोई भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस की टीम भले ही हैदराबाद से जीत गई हो, लेकिन ये टीम प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। और मुंबई की टीम को आज प्ले ऑफ में जाना था तो हैदराबाद को काफी बड़े अंतराल से हराना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई की टीम ने
इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मुंबई की टीम प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, तो मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा निराश है। हालांकि मुंबई की टीम पहले ही 5 बार की चैंपियन बन चुकी है। इसके बाद चौथे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है 2 बार की चैंपियन और इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार जीती है और 7 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम का नेट रन रेट +0.587 है और कोलकाता की टीम अपने नेट रन रेट के बदौलत प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि ये टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है। तो इस वजह से कोलकाता की टीम अब प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। तो केकेआर के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि कोलकाता की टीम प्ले ऑफ में जा चुकी है। और जब आईपीएल का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था तो किसी भी टीम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोलकाता की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में केकेआर का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब था। लेकिन फाइनली कोलकाता प्ले ऑफ में जा चुकी है और इस टीम का जो क्वालिफायर मैच होगा यानी कि एलिमिनेटर मैच, वो आरसीबी टीम के साथ खेला जाएगा। इसके बाद तीसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है विराट कोहली की कप्तानी वाली और आज के मैच की विनर यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और आरसीबी की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 9 बार जीती है और सिर्फ 5 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम का नेट रन रेट -0.150 के आसपास है। हालांकि आरसीबी की टीम पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इस टीम के लिए सबसे बुरी खबर ये है कि ये टीम इस साल पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाई, क्योंकि इस टीम के पास काफी बेहतरीन मौका था। और अगर आरसीबी की टीम हैदराबाद को हरा देती तो आरसीबी की टीम जरूर पॉइंट टेबल के टॉप 2 में जाती, लेकिन यहां पर आरसीबी पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर फिनिश करेगी और ये टीम अपना एलिमिनेटर मैच कोलकाता के साथ खेलेगी। तो आपके हिसाब से आरसीबी चैंपियन बनेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद सेकेंड पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है 3 बार की चैंपियन और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 9 बार जीती है और 5 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है। और इस टीम का नेट रन रेट +0.455 है, जो कि काफी शानदार नेट रन रेट है। और चेन्नई की टीम पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। तो चेन्नई के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में है, यानी कि चेन्नई की टीम को फाइनल मैच खेलने के लिए टोटल 2 मौके मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई की टीम फाइनल मैच खेल पाएगी या नहीं, आप नीचे कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है इस साल की सबसे मजबूत टीम और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस साल टोटल 14 मैच खेले है, जिसमें सिर्फ 10 बार जीती है और 4 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 14 में से 10 मैच जीत करके 20 अंकों के साथ दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है। और इस टीम का नेट रन रेट +0.525 है, जो कि काफी शानदार नेट रन रेट है। और इस पंत की टीम पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि इस टीम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस टीम को क्वालिफायर मैच खेलने को मिलेगा, यानी कि दिल्ली की टीम को फाइनल में जाने के लिए टोटल 2 मौके मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस साल अपना पहला खिताब उठा पाएगी या नहीं, आप नीचे कमेंट में जोड़ बताएं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी 4 टीम इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। तो इसमें पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स का, दूसरा नाम है चेन्नई सुपर किंग्स का, तीसरा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का और चौथा नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो ये 4 टीमें ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप केएल राहुल के पास है, जो कि 14 मैचों में 626 रनों के साथ ऑरेंज कैप होल्डर हैं। सेकंड पोजीशन पर है ऋतुराज गायकवाड, जो कि 14 मैचों में 534 रन बना चुके हैं। और तीसरे पोजीशन पर है धवन, जो कि 13 मैचों में 501 रन बना चुके हैं।
इसके बाद पर्पल कैप हर्षल पटेल के पास है जो कि 29 विकेट ले चुके हैं। सेकंड पोजीशन पर है आवेश खान जो कि 22 विकेट ले चुके हैं और तीसरे पोजीशन पर है जसप्रीत बुमराह जो कि 19 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद बाउंड्री किंग सिक्सर किंग के बारे में बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा छक्का केएल राहुल ने लगाया है, जहां पर केएल राहुल ने 14 मैचों में 30 छक्के मारे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा चौका शिखर धवन ने लगाया है, जहां पर धवन ने 13 मैचों में 58 चौके मारे हैं। तो यही था आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल और पर्पल कैप ऑरेंज कैप बाउंड्री किंग सिक्सर किंग से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर डेली आईपॉन जीतने का मौका है। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।